ऊपर ऊपर देखो, लेपर ऊपर ऊपर ही रहते हैं। ऊपर देखना है, ठीक है ऊपर देखते हैं। गाइस वो देखो सामने हिरन दिख रहा है, उनके आंखें जल रहा है, चमक रहा है। ओहो पूरा फैमिली के साथ। आगे है चेक पोस्ट, अभी तक शायद नहीं खुला है, 6 बजे ये खुलेगा। जस्ट खुला है अभी, जस्ट अभी जस्ट खुला है ये। वाओ ही सो लकी। चेक हो रहा है ना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, टुडे इज अ लास्ट डे। तो अभी सुबह के 6 बज चुका है और हम निकले हैं 5:30 अराउंड, मतलब होटल से, उससे भी पहले हम उठे हैं। तो अभी हम लास्ट सफारी के लिए जा रहे हैं और रास्ते में बहुत हिरन भी दिखा और यू नो चमकते हुए आंखें ये सब, एंड वी आर सो एक्साइटेड, है ना बेबी? यस यस। सुबह सुबह क्या दिखने को मिलेगा, कल तो पूरा पैसा वसूल वाला इंसिडेंट हुआ है, आज देखते हैं सुबह क्या होता है। सो गाइस नाउ वी हैव रीच्ड बंदीपुर सफारी, इधर हम पहुंच गए, हमें जीप भी मिल गया है, हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था, तो जीप हमें 6:30 को लेके जाएंगे। तो आई एम सो एक्साइटेड, पता नहीं आज सुबह सुबह क्या दिखने को मिलेगा, जो भी है बहुत एक्साइटेड हूँ। और डबल देखिए जैकेट पहन के आई हूँ क्योंकि कल बहुत ठंड लगी थी इधर, बहुत ठंड थी। और बस यही देखते हैं क्या दिखने को मिलता है। तो गाइज अभी हम जीप पे हैं। ये है हमारा जीप। और इधर फ़ोन पे ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकते क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है। तो आज हम याद से DSLR लेके आए हैं। यस यस, तो लेट्स गो। ये देखो हमारी मैडम रेडी हो गई पूरा पैक्ड। हमको देख के स्टॉप हो गया। गूस। ये क्या है? एक चेंजेबल ऑकीगल। ओके गर्ल, ये एक वाटर बॉडी है जहाँ पे सुबह पानी पीने आता है शेर, मोर, हिरन, है ना? दिख जा कहीं से भी दिख जा, एक शेर, टाइगर, लेपर्ड, कुछ तो दिख जा यार। क्या कर रहे हो अंदर, सो रहे हो क्या बेबी? कल हंटिंग करके ना सब सो रहे हैं, आराम की चैन की नींद। सुबह ठंड है यार, हम ही आए उठ के, जैकेट पहन के, उसके बाद जैकेट वगैरह नहीं है तो लेके आना था ना, उन लोगों को बोल देते कि देखो तुम्हारे लिए हम जैकेट स्वेटर लेके आए हैं, अब थोड़ा दर्शन दे दो। सिर्फ लेपर्ड देख लिया, तुमने टाइगर देख लिया, कुछ लेपर्ड देख लिया। एक लेपर्ड, हाँ ऊपर देखो, लेपर्ड ऊपर ही रहते हैं। ऊपर देखना है, ठीक है ऊपर देखते हैं। लेपर्ड देख लिया यार, एक डेढ़ घंटा तो हो गया है शायद, है ना? पता नहीं, भी टाइम का कोई आइडिया नहीं है। जंगल में वक्त ऐसे कर जाता है ऐसे, सच में। तो इधर है मोर देन 1600 एलिफेंट्स, मोर देन 170 टाइगर और लेपर्ड, दे आर नॉट काउंटिंग, मोर देन 300 आते हैं। तो इतना सारा लेपर्ड है, कुछ एक तो दिख जा, है ना? अभी सुबह सुबह सब सो रहे हैं, ये सब बोलते हैं कि सुबह सुबह ज़्यादा दिखता है, वो गर्मी में दिखता है, अभी ठंड में नहीं। भाई आपको देख कर ना सारे लेपर्ड डर गए, टाइगर मुझे भी देख कर डर गए कि कहाँ से आए ये उल्लू। यार कुछ नहीं दिख रहा है, कल इतना अच्छा सफारी था, आज बिल्कुल बेकार। कब से हम बस ये झाड़ियाँ ही देख रहे हैं, है ना? लेकिन बेबी गाड़ी ज्यादा चला रही है,
हाँ आज बहुत, मतलब एक घंटा हो गया है, लेकिन मे भी इस इन झाड़ियों के पीछे भी रह सकता है ना शेर, पता नहीं चलेगा। कभी भी निकल के आ जाएगा करके आपके पास। हाँ क्या करूँगा, क्या करूँगा, मैं आपको दिखा दूंगी, ये लो। कुछ नहीं, आप बस शेर को बोलना मैं कृष्णा राय मल्लिक का हस्बैंड हूँ, बस वो डर के मारे भाग जाएंगे। शेर को जैसे बहुत पता है आपका नाम है ना। हाँ मैं यूट्यूबर हूँ ना, फेमस यूट्यूबर। वो देखते रहे, ही मस्ट बी माय वन ऑफ द फैंस। 10,000 व्यू नहीं जाते आपके चैनल से ए वीडियो में, और आप बोल रही हैं। देखो देखो वाटर बॉडी भी इधर कुछ दिख सकता है, साला कुछ भी नहीं है। किसी को प्यास भी नहीं लगता है, सुबह उठ के तो हमें सबसे पहले प्यास लगती है यार। इधर बहुत सारे हिरन हैं, मेल फीमेल बोथ है, सब एक साथ जा रहे हैं। अभी आज के लिए बस हिरन ही देख लो। अगर इधर एक शेर मिल जाता ना फॉर हंटिंग हिरन, अगर ऐसा होता कि सुबह सुबह उन लोगों को ब्रेकफास्ट लेना है ना, तो ब्रेकफास्ट के लिए ये हिरन के पास आ जाते। कौन? मैं आ जाता। अरे यार शेर की बात कर रही हूँ तो हमें थोड़ा दिख जाता। शेर से काम थोड़ा होगा। हाँ ठीक है बाय, थोड़ा पंख तो दिखा दो। हो गया आज का राइड खत्म। वो मेन रोड है, मेन रोड दिख रहा है, बेकार राइड। आज ब्रेकफास्ट अच्छा मिल जाए। हाँ चलो, शेर का ब्रेकफास्ट तो हमने नहीं दिखा, हमारा ब्रेकफास्ट अच्छा मिल जाए। ओह हम दूसरे साइड जा रहे हैं, आज गाड़ी ज्यादा चल रहा है। हाँ ये वाला चीज मुझे अच्छा लगा, मजा आ रहा है ना, सफारी ज्यादा हो रहा है, दर्शन ज्यादा नहीं हो रहा है। हाँ नहीं, पहली बार उस लास्ट टाइम भी हम दूसरे ही साइड गए थे। अरे दीदी ये लोग भी सोच रहे हैं कि इतना सारा पैसा दिया इन्होंने, इन बेचारों को कुछ और तो दिखा दो। एक चीज जरूर है, हमसे ज्यादा ये लोग ज्यादा एक्साइटेड है शेर देखने का, पता नहीं क्यों। हम तो हैं एक दिन है ना, मिला नहीं मिला वापस चले गए, ये तो यहीं रहते हैं, ये तो इतना देखते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर ज्यादा एक्सपीरियंस है, कल भी थी, कल भी बहुत एक्साइटेड था मैं, बोला इनको क्या एक्साइटमेंट है इतनी ज्यादा, मैं देख लो शेर है ये तो रोज दिखता है ना, फिर भी लोगों को बहुत एक्साइटमेंट। नहीं इनको रोज नहीं दिखता है ना, इनको भी दिखता है वही हफ्ते में एक बार, दो हफ्ते में एक बार। अगर ना टाइगर में दिख जाए जो कि लेपर्ड का पीछा कर रहा है, तो समझ लो आपका करियर बन गया, आपका यूट्यूब चैनल चल पड़ा, फिर तो आपको मैन वर्सेस वाइल्ड में भी बुला लेंगे, नेट जियो वाले देख लेना, या अलग से डॉक्यूमेंट्री करने के लिए भी बुला लेंगे। हाँ हाँ कुछ और बोलो, और बोलो। ये देखो गाइस तोते दिख रहा है, लेकिन ये तोते हमारे घर के सामने जो पेड़ है उधर भी आता है। मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग में शेयर किया है ना, मेरे घर के सामने जो पेड़ है उधर तोते आ रहे हैं, रोज आते हैं उधर, जो फल होता है ना वो खाने के लिए तोते रोज आते हैं। अभी जंगल के तोते, तो अभी जंगल के तोते तीन दिन फ्री का बंदीपुर का। तो अभी ये देख के खुश होना। मेल एलिफेंट ना, चलो गाइस एलिफेंट दिखा है, बहुत बड़ा वाला। बेबी दांत के की बोले, हॉर्न नहीं हॉर्न शिंग बोले। दांत देखो हाथी के दांत। ओए बेबी अच्छे से फोटो लो, चलो एक अच्छा वाला एलिफेंट तो दिखा। This is a huge. देखो आई थिंक इधर आग लगी थी है ना, एशेस वगैरह है देखो है ना, आग लगी। सर ये जंगल फायर था क्या? नहीं सर, ये क्लियर द लैंटर्न है सर, लैंटर्न रिमूव करता है। हाँ यही देख लो, यही देख के खुश हो जाओ ठीक है। ये वाला
आज देखा हाथी, टाइगर कल देखा, बाइसन का पूछ बस देखा था। हाँ एकदम ठीक है बेबी, ये तो क्या खूबसूरत लग रहा है। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है। मैं शेर की तारीफ कर रहा था बेबी। दोस्तों जब हम रिटर्न आ रहे थे सफरी करके, उस टाइम पे हमारे गाइड ने बताया कि टाइगर देखने का बेस्ट टाइम होता है समर। यस, और वो भी आफ्टरनून 2:30 वाला जो सफारी टाइम होता है, 2:30 होता है, 4:30, तो 2:30 वाला टाइम वो होता है बेस्ट टाइम। हाँ, तो ये आपको पहले बताना चाहिए था ना भैया। बेबी एक्चुअली इनको पैसे रिफंड करने चाहिए। कुछ नहीं देखने को मिला है तो कुछ देखने का पैसा लगता है ना, शेर दिखेगा फिर वैसा दिखेगा तो पैसे रिफंड होने चाहिए। फालतू पैसे बर्बाद हो गए बेबी, शाम आज का पैसा बर्बाद। उसके साथ क्या है ना, सुबह 5 बजे उठ के, 5 बजे तो छोड़ो, पता है मेरे को, मुझे 1 बजे मेरा नींद टूट गई। हाँ। और उसके बाद मेरे पास फोन भी नहीं था। 1 बजे मेरी नींद टूट गई तो मैंने सोचा कि शायद अभी 5 बज गया है, तो मैंने इनको उठाया। हाँ। देखो कितना। मैं बोला 1 बज रहा है अभी यार। मैं खुद हैरान। बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड यार कि टाइगर फिर से दिखने को मिलेगा, क्या होगा यार, आई एम सो एक्साइटेड। इसीलिए लोग आगे ना, बहुत लोग ना बंदीपुर के बारे में बहुत गंदा गंदा ऑनलाइन रिव्यू देते हैं, ऑनलाइन बहुत बेकार है यार, इससे अच्छा तो इधर तो मतलब आप रास्ते में जाते जाते ही देख लोगे, हाईवे में जो मेन रोड है जंगल के अंदर से, उसी रोड पे गाड़ी चलाते जाते आपको ज्यादा चीज दिख जाता है। इसीलिए देते हैं लोग गंदा रिव्यूज के बारे में, क्योंकि हर वक्त नहीं मिलता है। सफर ही ऐसा ही होता है, सेंचुरी ऐसा ही होता है, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल। कभी भी हो सकता है कि आपको हंटिंग वाला सीन दिख जाए, कभी हो सकता है कि कुछ भी ना दिखे। आज हमें कुछ भी नहीं दिखा है, शेर आपको दिखना ही है। ऐसा वाला हो तो बनेघट्टा नेशनल पार्क जाना है। उधर आपको रास्ते पे इधर उधर आपको वो लायंस, टाइगर, भालू, ये 100% गारंटेड है, 100% गारंटेड है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि सफारी ये सब का कॉस्ट कितना है, कि मुझे पता है बहुत लोग आप लोग पूछेंगे कमेंट सेक्शन पे। तो सफारी 2 टाइप का होता है, बस में एंड जीप में। जीप का कॉस्ट है 3,000 रुपीज एंड देन पर हेड 250 रुपीज जितने भी आप लोग बैठेंगे, तो 6 लोग आ सकते हैं, तो मैक्स आपका 4,800 तक हो सकता है, क्योंकि हम लोग 2 लोग थे तो हमारा 3,500 रुपीज का कॉस्ट पड़ा, प्लस जो हमने कार पार्क किया है उसका हमें 50 रुपीज प्लस GST, तो यानी 59 रुपीज, तो ये 60 रुपीज लेते हैं यहाँ से। और बस में 350 रुपीज लेते हैं, लेकिन उधर बहुत सारे लोग रहते हैं, I think 15-20 people है ना। 350 पर हेड है बस का फ्लैट फेयर। तो बच्चा हाथी ये छोटा वाला, ये एक और है, नहीं नहीं छोटा नहीं है, बड़ा ही है, दोनों ही बड़े हैं भाई, देखो कितने पास है। ओए होए होए होए, पहले मैंने वो सफेद देख के मैं उनको बोल रही थी ये क्या सफेद हाथी है, बेबी अब कैसे जाएंगे यार। ओ शिट, इसका हॉर्न्स भी है बेबी। ओ माय गॉड, आपने रेड तो नहीं पहना? नहीं बट ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज शिट स्केयर। कोई भी आगे सीन मार सकता है, गाड़ी पे स्क्रैच लग जाएंगे। ये देखो, ये देखो सफेद वाला कभी भी कहीं पे स्क्रैच मार देगा बेबी। हाय ये तो चाट रहा है हमारा कार। हाँ चला गया, टेस्ट नहीं है। चलो 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 चलो। ये कैसी मुसीबत था, ओ माय गॉड। हाथी वाला एक्सपीरियंस फिर आज हो गया। ओह माय गॉड, मैंने एक सफेद दूर से देखा है तो मैंने बोला कि बीबी देखो सफेद हाथी, ये इंद्र देवता का जो वाहन है ना उनका सफेद हाथी होता है। तो सफेद हाथी तो ये मुझे चिढ़ा रहा है कि गाय है। अरे ये गाय है, तो मैंने बोला ओके फिर। माय गॉड बीबी, ये तो
वो सफारी से भी ज्यादा था ये ज्यादा चिक्स भी खेलता है ये ज्यादा एडवेंचरस तो ये है ब्रेकफास्ट दिस इज छोले भटूरे इज ऑन द वे और ये सेमैया उपमा मसाला डोसा ये तो इडली बड़ा इडली बड़ा इडली बड़ा नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय तो अभी हम चेकआउट कर रहे हैं होटल से बहुत ही अच्छा वाला रिजॉर्ट था जंगल के अंदर जंगल वाला फील देती है और ये जो रिजॉर्ट है इसका नाम है विंड फ्लावर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है लेकिन बहुत लैविश अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो इधर ऐसा वाला लैविश काइंड ऑफ यू नो एक्सपीरियंस नहीं होगा लेकिन जंगल वाला फीलिंग डेफिनेटली होगा और फूड भी काफ़ी अच्छा था फूड तो बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू आवर प्रीवियस रिजॉर्ट दिस वन इज इट वाज वेरी गुड एंड यू नो ऑप्शंस वर वेरी गुड पूरा बूफे था ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड जो एक्चुअली इंक्लूडेड है जो हमने पे किया है पर नाइट उनमें सारा खाना वगैरह इंक्लूड है ऑब्वियसली क्योंकि इधर हम बाहर जाके नहीं खा सकते तो या काफी अच्छा था हमें तो अच्छा लगा गाइस हम लोग सोच रहे थे कि जंगल में भीड़ कम होगा ठीक है क्योंकि ये जंगल रिजॉर्ट है पता नहीं कैसा होगा विल दे ऑफ दैट बी अ गुड क्वालिटी ऑर नॉट भाई जंगल रिजॉर्ट 100% बुक्ड सारे के सारे बुक्ड है और आज हम निकल रहे थे 11 o'clock चेकआउट टाइम है थोड़ा सा मतलब 10-15 मिनट्स लेट हुआ तो उन लोगों ने फोन करके बोल लिया कि कब आप चेकआउट कर रहे हो क्योंकि नेक्स्ट यू नो गेस्ट आने वाले हैं तो पूरा फुल है पूरा बोला हम सोच रहे थे कि लोग मतलब कोरोना की वजह से लोग जंगल की तरफ भाग रहे हैं हाँ इधर ही आ रहे सिटी के रिजॉर्ट्स बुक नहीं है भी उल्टी तरफ से कुछ है रुको बंद अंदर दिख रहा है अच्छा रास्ते के बीचों बीच नहीं हाँ बंदर भाई बहुत डेंजरस होता है यार ये बंदर नहीं है हनुमान ये हनुमान है काले वाले हनुमान होते हैं बेबी ये जो हनुमान का मुंह काला क्यों होता है ये जो इनको हनुमान बोलते मुझे पता है बेबी बताओ वो जो लंका में आग लगाई थी इसलिए उसे उनका मुंह जल गया था नहीं हाँ ठीक है लेकिन उतना एक्यूरेट है क्या हुआ कि हनुमान जी ने पूछ में उनके पूछ में आग लगा दी गई थी ठीक है कि उसकी बेइज्जती करने के लिए बंदर की तो हनुमान जी ने वो तोड़ के वो पूरा लंका में आग लगा दिया उसके बाद वो आग लगाने के बाद फिर वो अपनी पूंछ को बुझाने लगे अपनी फूंक से हाँ। बुझाने लगाते वक्त उनका मुंह जल गया था हाँ। तो फिर उसके बाद वो सीता मैया के पास गए थे सीता मैया का बोला मैया ये मेरा फेस और मुंह पूरा जल गया है तो अब मैं अपने दोस्तों के और उधर जाऊंगा तो फिर तो मेरी कैसी इज्जत रह जाएगी तो फिर बोले कि आप फिक्र मत करो आपके सारे जितने भी दोस्त हैं सबका मुंह काला हो जाएगा और हाथ और काले सेम हो जाएंगे सारों के तो तब से ये चला आ रहा है वो तो ठीक है लेकिन आपका फेस क्यों इतना गोरा गोरा है फिर लेकिन क्या है ना एक एक सफारी आपको 3,500 का धक्का दे रहा है है ना दैट इज क्वाइट कॉस्टली तो हम दो दो सफारी कर चुके हैं मतलब समझ सकते हो हमने कितना पैसा खर्च किया जंगल में ऐसे 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 उड़ा दिया तो या बड़ी ब्यूटीफुल कितना अच्छा ठंडी ठंडी हवा आ रहा है बाय बाय टू ऑल द डियर्स और नहीं दिखेंगे बेबी कहाँ दिख रहा है डियर थाना उधर आ गया अभी और नहीं दिखेंगे हो गया रास्ते पे जितना हाथी डियर जितना कुछ देखना था देख लिया बस एक्सपीरियंस खत्म बट अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा लगा बंदीपुर टाइगर रिजर्व थैंक यू फॉर हैविंग अस बाय 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 ये देखो गाइस दिस इज द चामुंडी हिल्स जहाँ पे हम गए थे चामुंडेश्वरी टेम्पल मैसूर का बहुत ही फेमस है तो अभी वापस हम मैसूर की तरफ आ रहे हैं ये देखो गाइस हमने इधर रुक के हमने लंच कर लिया है और मैडम ने भी अपना लंच खत्म कर लिया है तो मैडम नाउ नेक्स्ट स्टॉप आप बोलो
ये है रामनगर, फेमस जो शोले मूवी है उसका शूटिंग इधर ही हुआ था, इसी कई पहाड़ों के बीच में। तो दिस इज ऑल्सो टूरिस्ट स्पॉट, लेकिन इस बार हम नहीं देख रहे, फिर कभी आएंगे। गाइस बादल देखो, पूरा काला घना बादल छाया हुआ है, मतलब पूरा बैंगलोर अभी बादल में भरा हुआ है। अब बारिश होने वाली है या हो रही होगी? ये देखो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था बैंगलोर में बहुत जोर से बारिश हो रही है और पूरा चारों तरफ है ट्रैफिक और पानी। फिर से बोलो बेबी। কি বলছি বুঝলেন না দিদিমণি? হ্যাঁ, এটা বললেন বাবাকে বলুন আপনি কি একটা ভালো ছেলে দেখেছি বুঝলেন। হ্যাঁ, সে মানে ভালো ছেলে, খুবই ভালো ছেলে। হ্যাঁ, মানে লেডিসদের বিরাট সম্মান করে বুঝলেন। হ্যাঁ, বলুন বলুন বলুন, আপনি কোথায় ঘুরতে যেতে যাবেন? ব্যাংকক, পাটায়া, উডি, সব জায়গায় আপনাকে ঘুরিয়ে দেবো। একদম মানে বিরাট ফ্রেন্ডশিপ আছে, বন্ধুত্ব আছে। বিরাট খুব দারুণ বন্ধুত্ব, একদম মানে খেয়াল রাখবে ওরা বুঝলেন। আমি লেডিসদের খুব সম্মান করি, আপনি বলুন এখানে। কেউ আপনাকে যদি টাং টাং করে, কেউ যদি ফোন টোন করে, বিরাট ফোন করছে, শুধু আপনি আমাকে ফোন নম্বরটা দেবেন, বাস। তারপরে গিয়ে ওদের পুরো পরিবারকে আমি ছেড়ে দিয়ে আসবো বুঝলেন। আপনাকে ফোন আর আসবে না, চিন্তা করার দরকার। কেন, এমন কি করবেন যে আমাকে আর ফোন করবে না? ও আপনার দেখতে পাবেন ওরা, তাই না? সব জিনিস বলা যায় না ডিটেলে বুঝলেন তো, বিজনেস তো এমন তো আমাদের। হ্যাঁ, সব জিনিস ডিটেলে বললে আর মানে বিজনেস থাকে না সেটা, কিন্তু আপনার কোনো প্রবলেম হবে না বুঝলেন। একটু শুনুন, এরকম ছেলে পাবেন না যে লেডিসদের এত সম্মান করে বুঝলেন। আপনি একটা কাজ করুন, বাবাকে ফোন লাগান, বলবেন একটা ভালো ছেলে পেয়েছি বুঝলেন। এটা আমি আপনার গ্যারান্টি দিচ্ছি, আপনার বিয়েতে বলবে সবাই জামাই ফাটাফাটি হয়েছে বুঝলেন। কেন কেন মানে কি? আরে আমি লেডিসদের খুব সম্মান করি, খুব সম্মান করি বুঝলেন। আজকে ঘুরতে গেলেন কেমন লাগলো আমার সাথে? ভালো লাগলো তো, ঘুরে নিয়ে আসলাম এতটা জায়গা পুরো মহীশূর টহীশূর। হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের মানে পুরো পরিবারে আমাদের এরিয়ার মধ্যে কেউ ছেলে, হ্যাঁ, আপনাকে কোনোদিন মহীশূরের দুর্গা পুজো দেখিয়েছে? মহীশূরের দুর্গা পুজো দেখালেন? হ্যাঁ, আপনি কি করে দেখালেন? তোর দেখাবো না কেন, আমি লেডিসদের খুব সম্মান করি বুঝলেন। হ্যাঁ, সেই জন্য আপনার মানে চিন্তার ব্যাপার নেই কোনো, মানে বুঝলেন। হেভি সুন্দর হবে আপনার, কেউ এত বৃষ্টি পড়ছে আপনার গায়ে এক ফোঁটাও পড়তে দেয়নি আমি। কেন? কেন কি আমি লেডিসদের খুব সম্মান করি বুঝলেন। একদম সুন্দর করে নিয়ে যাচ্ছি গাড়িতে করে, একদম স্পিড ব্রেকারে আসলে একদম গাড়ি আসতে হচ্ছে। কেন কেন কি আমি লেডিসদের খুব সম্মান করে নিয়ে যাচ্ছি? बेकार की बातें कर रहे थे, मुझे हंसा रहे थे कंस्टेंटली।